नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आज 28 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा रहा है, किन चैप्टरों से आ रहा है। ये तीसरा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, बाल विकास में, हिंदी में, इंग्लिश में और सामाजिक विज्ञान में, तो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है ये सभी देखेंगे और उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए। आपके 100% क्वेश्चन या 10 नंबर इम्प्रूव रहेंगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर तो करते ही नहीं हैं, तो दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में आज का पेपर अगर देखा जाए, सामाजिक विज्ञान में तो पेपर मॉडरेट से 2% ऊपर है, जबकि सुबह का देखा जाए पेपर तो मॉडरेट से 2% नीचे था। तो इसका कट ऑफ लास्ट में जानेंगे, लेकिन पहले वीडियो को देखते हैं, सामाजिक विज्ञान, फिर उसके बाद हिंदी, बाल विकास, इंग्लिश और कट ऑफ। तो SBI ने मैं किस बैंक का विलय हुआ, यानी बैंक से क्वेश्चन आया, बैंक वाला चैप्टर अच्छे से करके जाइए। फर्स्ट पेपर जो सामाजिक विज्ञान का हुआ था उसमें चट्टाने आई थी, तो आप चट्टाने अच्छे याद करके जाइए। आग्नेय अपसादी चट्टानों से क्वेश्चन आया है और भूस्खलन से भी क्वेश्चन आया है। दोस्तों MPGK से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। करंट GK में सुबह की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है करंट से, तो ये ध्यान रखिए। रेड से क्वेश्चन आज पूछा गया है, ये संविधान में, और मुगल वंश, ये मुगल वंश पहले पेपर में भी आया, इसमें भी आया, तो मुगल वंश आप अच्छे ध्यान रखिए। बाबर का समकालीन कौन सूफी संत थे ये पूछा था, और दक्षिण भारतीय वंश भी आप पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप याद रखिए। संविधान में राज्यसभा रेड अनुच्छेद, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद पूछे थे। साथ में हिस्ट्री में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर अंतिम रूप से कब हुए, किस समय, तो ये इसकी डेट भी अगर शायद पूछी हो तो वो 1932 में पूछा था। पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद पूछे गए थे, और थोड़ा सा उसमें डीप में पूछा था कि पंचायती राज ग्राम पंचायत व्यवस्था को कितने भागों में बढ़ाया है, नगरीय पंचायत व्यवस्था को कितने भागों में डिवाइडेड किया है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आए थे, ये आप उसमें देखिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, महल नोबिस हेरल्ड वगैरह, तो ये आपको याद करना है। साथ में मौर्य वंश में कौन सी मुद्रा चलती थी, पाण, तो ये मुद्रा है आप याद करना। वंश वही चल रहा है सुबह, इसमें इस शिफ्ट में ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। समुद्र विज्ञान में समुद्र में पौधे की गहराई कितनी है, तो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा गहराई से पूछे हैं, बस चैप्टर वही है जिसने अच्छे से गहराई से तैयारी की है। और जो 45 नंबर ही आया है सामाजिक विज्ञान में, 15 नंबर की पेडागोजी आई है, टोटल 60 नंबर का आई है सामाजिक विज्ञान वाला चैप्टर। उत्खनन से भी क्वेश्चन पूछा, यूरेनियम में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये वर्ल्ड में यूरो कनाडा में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा, विश्व में सबसे अधिक थर्मल प्लांट किस देश में होते हैं, तो देखिए कोयला जिस देश में सबसे अधिक होगा वहाँ पे थर्मल प्लांट यानी चीन होगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, एकदम सीधे सीधे तरीके से नहीं। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे गए, आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास में क्या क्वेश्चन आए। दोस्तों बाल विकास में ADHD क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा था, जो कि सुबह में भी पूछा है। सिद्धांत से भी वही जीन पे आ जाए, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलबर्ग, ये इनसे क्वेश्चन आया। दोस्तों इनके क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वही ना पूछ करके, और इनसे समस्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे नैतिकता की शुरुआत कब शुरू हो जाती है, यदि आपने कोई दवाई बनाई है और उस दवा को किसी को देना है किसी नहीं देना, तो आप में कितनी नैतिकता है, उसी के आधार पर स्टेज पूछी गई है थॉर्नडाइक की, जीन पे आ जाएगी। तो ये इस तरह के डायरेक्ट ना पूछ करके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए बाल विकास में। अधिगम वाले चैप्टर से आया, बुद्धि लब्धि वाले चैप्टर से आया, व्यक्तित्व वाले चैप्टर से आया, यानी वही चैप्टर है बट थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चन। हिंदी में दोस्तों गद्य गद्य पद आ रहे हैं, उसी पर 4-5 व्याकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कबीरदास आए थे सुबह रस खान था, तो इस समय पे कबीरदास का ये एक गद्यांश था और उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। और झांसी की रानी ये पद आया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, इजी था। 25 से ऊपर सभी के नंबर आ रहे हैं, 29 तक आए, 30 तक भी नंबर आए, उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे गए, तो ये सभी में आया, ट्रेंड वही चल रहा है, हिंदी का इजी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में दोस्तों नरेशन, प्रिपोजिशन, क्वेश्चन टैग, जो मॉर्निंग में भी आया क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन, अब ये स्टार्टेड हो गए हैं, और इवनिंग शिफ्ट में भी आया तो ये क्वेश्चन टैग आने लगे हैं, तो ये आपको करना है। आर्टिकल आ रहा है, नरेशन आ रहा है, प्रिपोजिशन आ रहा है दोस्तों, तो ये एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सभी से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं, एंटोनिम से, नोनिम से, तो इंग्लिश में तैयार करके जाइए। और आज का कट ऑफ देखते हैं कि आज का कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों कट ऑफ में देखा जाए तो पुरुष, जनरल पुरुष का अगर इसमें देखा जाए तो 99 तक जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो उसका होना संभावित है सिलेक्शन। और साथ में इसमें महिलाओं का अच्छे स्कोर कर रही महिलाएं, तो इसका उनका थोड़ा सा परसेंटेज अच्छा जा सकता है, और वो भी 98 ही समझिए कि 98 महिलाओं में अगर किसी के आ रहे हैं तो वो क्वालिफाइड कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।